हरियाणा सरकार आणि सीआयआयने मुंबईमध्ये आयोजित केलेल्या हरियाणा प्रवासी दिनानिमित्त हरियाणातले प्रसिद्ध उद्योगपती आणि एसएल समूहाचे चेअरमन खासदार डॉ सुभाषचंद्रा यांचा विशेष गौरव करण्यात आला. यावेळी हरियाणामधल्या आठवणींना उजाळा देताना चंद्रा यांनी हरियाणा प्रगतीपथावर असल्याचं सांगितलं. हरियाणात नोकरी आणि गुंतवणुकीच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्याचं सांगत त्यांनी हरियाणा सरकारचं कौतुक केलं. हरियाणामधल्या नागरिकांना आता नोकरीसाठी बाहेर जाण्याची गरज उरली नाहीये, केवळ उद्योगाच्या विस्तारासाठीच हरियाणी माणूस बाहेर पडत असल्याचं डॉक्टर चंद्रा म्हणाले. अंग्रेजों के बाद की सरकारों ने भी पॉलिसी वही की वही चालू रखी जिससे गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए. तो ये डीमोनेटाइजेशन मैं जिस तरह से लेता हूँ, एक मोदी सरकार का एक पहला कदम है जो इस खाई को थोड़ा कम करने में मदद करेगा. हाँ, तकलीफ है, सबको तकलीफ है, बल्कि हम जैसे मीडिया, हमारी मीडिया कंपनी को तो एकदम से आज मैन्युफैक्चरिंग कोई करेगा, आप कुछ बनाते हैं तो चलो आज नहीं बिका तो दो महीने बाद बिकेगा, चार महीने बाद बिकेगा. हमारे यहाँ तो हम एयर टाइम बेचते हैं एडवर्टाइज़र को, अगर वो खाली गया तो गया. तो हर महीने 50 करोड़ का लॉस हो रहा है मेरी एक कंपनी को, लेकिन उससे फ़र्क नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में विल मेक अप मोर देन दैट. सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.